विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में निकाला गया श्रीराम शोभा यात्रा। जिला मिर्जापुर के पुलिस चौकी नारायणपुर के अंतर्गत बैकुंठपुर नारायणपुर बाजार में हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में श्रीराम शोभा यात्रा निकाला गया। इस शोभा यात्रा में सभी लोगों ने प्रभु श्रीराम की जयकारे के साथ एक दूसरे को हिंदू नववर्ष की बधाइयां दी। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक मिथिलेश पाठक ने बताया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम प्रभु श्रीराम की जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर एवं हिंदू नववर्ष के आगमन पर श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। यह शोभा यात्रा पूरे नारायणपुर ग्राम सभा के साथ साथ आसपास के गांव में होती हुई समाप्त होगी। उक्त अवसर पर राजीव यादव, विवेकानंद तिवारी, सुमित जायसवाल, अनुपमा सेठ, रचना सेठ, अमित कश्यप आदि लोग उपस्थित रहे। संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, अपना परिचय बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिथिलेश पाठक, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष। सर, ये आज जो कार्यक्रम है वो किस उद्देश्य से है? भगवान राम की, भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा। ये कार्यक्रम सर कब से चला आ रहा है? बहुत दिनों से चल रहा है कार्यक्रम। ये सर जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? ये जुलूस पटेल तिराहे से होकर जाएगा पुलिस चौकी तक, फिर वहाँ से वापस होकर भीतरी मार्केट होते हुए शेरपुर चौराहे होते हुए फिर पटेल प्रतिमा पे आके इसका समाप्त। सर, हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या कहना चाहेंगे? हिंदू नववर्ष के अवसर पे मैं जनता को यह कहना चाहूँगा कि जनता खुशी खुशी रहे, क्योंकि देश में मोदी जी और प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जनता को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। भगवान राम सबका कल्याण करे, यही आपके चैनल से जनता को मैं कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए।